आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं सहजन का सब्जी। ओह, पीला वाला सरसों होता है ना, उसको डाल के बनाएंगे सहजन का सब्जी। सब्जी सहजन आजकल खाना चाहिए इस महीने में। अप्रैल चल रहा है लेकिन हिंदी महीने से चैत महीना है, चैत में सहजन खाना चाहिए। चेचक वगैरह नहीं होता है इसको खाने से। ओह, शुगर में भी बहुत फायदा करता है। ओह, आज हम आप लोगों को सहजन का सब्जी का रेसिपी देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सहजन में मसाला जो डालेंगे, ये पीला सरसों है, ये लहसुन है, ये जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। मसाला आप अपने पसंद से मिर्च दे सकते हैं। ये सरसों और लहसुन का पहले मिक्सी में पीस लेंगे, उसके बाद लास्ट में ये सब मसाला डाल के एक बार पीस लेंगे ताकि अच्छे से सब मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा मसाला हम पीस के रेडी कर लिए हैं। ये रहा मेरा सहजन और इसमें ना हम एक आलू डाल रहे हैं। ये फ़ौरन के लिए हरा मिर्च है, कढ़ाही चढ़ा दिए हैं। अब हम इसमें तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें फ़ौरन डालेंगे। अब मेरा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें फ़ौरन डालेंगे। ये जीरा है और मेथी है, 4-5 दाना मेथी है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें मिर्च डालें, पहले थोड़ा सा आलू डाल के थोड़ा सा भून लेंगे इसको हल्का सा। आलू हल्का सा भुजा गया है, अब इसमें सहजन डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा देर भूजेंगे, हल्का सा लाल जैसा हो जाएगा ना, तब मसाला वगैरह डालेंगे इसमें। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार, जितना आपका क्वांटिटी में सब्जी का उस अनुसार नमक डालना है। नमक डालने के बाद थोड़ा सा ढक दीजिए इसको, तो सहजन ना अच्छे से हल्का सा गल जाता है मीडियम फ्लेम पे। एक टमाटर भी काट रहे हैं। टमाटर डालने से ना सरसों का सब्जी, सरसों का जो बनाते हैं ना, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा खट्टा। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं डालिए, लेकिन टमाटर डालने से टेस्ट अच्छा लगता है, खासतौर से सरसों वाला जो सब्जी बना रहे हैं ना उसके लिए। तो जैसे ये भुजा जाता है, बीच बीच में चलाते रहना है इसको। ये देखिए सहजन थोड़ा सा भुजा गया है, अब इसी समय इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर हल्का सा गला जैसा हो जाएगा ना, इसी समय मसाला डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा ढक दिए थे तो टमाटर अच्छे से गल गया, अब ये भुजा गया है, अब इसमें मसाला डाल देते हैं। 5-7 मिनट में भुजा जाता है। ये जो मसाला तैयार करके रखे हैं ना, सरसों का, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब, और मिर्च पाउडर नहीं पीसे थे, इसको अलग से डाल रहे हैं। आप अपने अनुसार तीखा डाल सकते हैं, जिसको तीखा पसंद है और भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा भूज लीजिएगा, सरसों भुजा जाएगा, उसके बाद पानी डाल के उसको फिर ढक देना है, थोड़ी देर में सीख जाता है। देखिए अब मसाला भुजाने वाला है, लगभग हो गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, मिक्सी का जार में जो मसाला लगा था ना उसमें पानी डाल के और इसको डाल देंगे। अब पानी डाल दिए हैं, अब इसको हम ढक देंगे। कुछ देर के बाद, 5 मिनट के बाद देखेंगे ये अच्छे से
सीज जाएगा सहजन, उसके बाद फिर गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा सब्जी बन के तैयार है। देखिए सहजन ऐसे करके देखिए सब अच्छे से हो गया, सीज गया। अब सब्जी हमारा बन के तैयार है, इसको आप निकालिए खाइए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।